हेलो एवरीवन, दिस इज माइक महाजन। वेलकम टू माय चैनल। इफ यू फाइंड माय वीडियोस यूजफुल सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नाउ फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 शो दैट बोथ एंगल्स विल रिमेन सप्लीमेंट्री। सो आपको क्या बोला गया यहाँ पर कि यहाँ पर अगर फिगर में अगर आप देखोगे, बोला जो 1 और 2 एंगल है दोनों को प्लस करके 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। बोला कि अगर हम क्या करते हैं, एंगल 1 को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि इस तरह से एंगल 1 हमारे पास धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एंगल 1 इतना बन रहा है तो लाइन को हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे, तो एंगल 1 भी, मान लो लाइन यहाँ पर थी, अगर यहाँ जैसे पहुँच गई तो एंगल 1 कम हो गया, एंगल 2 बढ़ गया। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे इसको डिक्रीज कर रहे हैं। तो बोला कि अगर इसको हम धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 में क्या फ़र्क पड़ेगा और हमारे पास जो सम होगा वो 180 डिग्री ही रहना चाहिए दोनों एंगल्स का। तो देखो, अगर आपके पास, अगर हम एंगल 1 को, मान लो ये लाइन यहाँ पर ना हो के यहाँ पर हो जाएगी, तो एंगल 2 बन गया यहाँ पर, एंगल 1 गया, 1 बन गया यहाँ पर। अब देखो, जैसे जैसे हम एंगल 1 को कम करते जाएंगे तो एंगल 2 की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आपको बोला कि अगर एंगल 1 कम होता है तो एंगल 2 में क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर एंगल 1 डिक्रीज होगा तो इसका मतलब एंगल 2 क्या होता जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि अगर ये लाइन आपके पास यहाँ पे, ये एंगल बना रही है, अगर ये लाइन यहाँ पे पहुँच जाती है तो ये लाइन तो रही नहीं, तो ये बन गया 2 और ये बन गया 1। तो 1 पहले इतना था, अभी छोटा सा बन गया और 2 हमारे पास इंक्रीज हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज ऑफ एंगल 1। तो मैंने क्या लिखा कि एंगल 2 उतने ही मेजर पे इंक्रीज करेगा जितना हम क्या करेंगे, एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे। क्योंकि हमारे पास क्या होगा, इनका सम 180 डिग्री रहना चाहिए, तो इंक्रीज तो होगा लेकिन क्या होगा, जितना इसको 1 को डिक्रीज किया होगा उतना ही इंक्रीज हम क्या कर देंगे, एंगल 2 में इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, ऑब्ट्यूज एंड थर्ड पार्ट में है राइट। तो 7 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो क्या बोला कि क्या कोई 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, पहला पार्ट, अगर दोनों ही एक्यूट हो। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो एक्यूट एंगल पहले होते क्या हैं, जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं, है ना। अब कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर 89 ले लिया, ठीक है, दूसरा एंगल भी मैंने 89 ले लिया, अगर इनको मैं प्लस करता हूँ, तो अगर मैं प्लस कर रहा हूँ फिर भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये बनेगा 178, ठीक है, और 178 तो 180 से छोटा हुआ, तो मतलब मैंने 90 से मैक्सिमम जो नंबर मैं ले सकता था एक्यूट एंगल, तो वो मैंने ले लिए। तो मैक्सिमम में ही अगर क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन रहा है, इनको प्लस करके 180 डिग्री नहीं बन रहा है, तो मतलब कोई और एक्यूट एंगल लेके भी नहीं बनेगा। तो मतलब हो गया क्या कि अगर दोनों एक्यूट एंगल बन जाते हैं तो वो कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि अगर दोनों ही एक्यूट एंगल होते हैं तो कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकता। सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है दोनों ही कैसे होने चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल होने चाहिए। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया, जो 90 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर हो। अब देखो, दोनों 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे, मान लो मैंने एक ले लिया 91, दूसरा एंगल भी मान लो मैंने 91 ले लिया, 91 प्लस 91 कितना हो जाएगा, 182। अब देखो, ये सबसे छोटा मैंने, अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल मैंने ले लिया, उनको ही प्लस करके 182 बन रहा है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल तो 180 डिग्री होता है सम, तो ये 180 डिग्री, पहले 180 डिग्री नहीं बन रहा है, तो ये तो ज़्यादा ही बन रहा है। तो मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी हम एंगल दोनों ही हम ऑब्ट्यूज दे लेते हैं तो वो तब भी कभी भी एंगल क्या नहीं बनेगा, सप्लीमेंट्री नहीं बनेगा। तो अगर दोनों ही एक्यूट होते हैं तो भी कभी एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं, अगर दोनों ही ऑब्ट्यूज हो तो भी नहीं हो सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट का आंसर भी नो होगा। थर्ड पार्ट में पूछा गया है राइट, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, राइट एंगल 90 डिग्री हो जाता है, सॉरी आपको बोला गया कि बोथ ऑफ देम, अगर दोनों ही राइट एंगल बन जाते हैं तो क्या सप्लीमेंट्री बन जाएगा। तो देखो, अगर दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं, फर्स्ट भी 90 डिग्री है,
सेकंड भी 90 डिग्री है, तो दोनों को प्लस किया तो कितना बनेगा 180। तो मतलब अगर दोनों ही 90 डिग्री बन जाते हैं, दोनों ही राइट एंगल बन जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यस, बिकॉज दोनों राइट एंगल क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल जो है 45 डिग्री से बड़ा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। बोला एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब जब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या वो कॉम्प्लीमेंट 45 डिग्री से कम होगा या इक्वल टू 45 डिग्री होगा या 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। अब इसको भी समझते हैं, एक एंगल है 45 से बड़ा, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर 50, ठीक है ना, कोई भी एंगल। अब बोला इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो 96 को माइनस करना पड़ेगा, तो 96 को माइनस करने के यहाँ पास तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 40 डिग्री। तो मतलब क्या होगा कि अगर 45 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल होगा, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो हमेशा क्या होगा, 45 डिग्री से कम ही होगा, ज़्यादा तो वो होगा नहीं। तो उसका मतलब क्या हो गया, हम क्या लिखेंगे, इफ़ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। सो अगर कोई एंगल 45 डिग्री से बड़ा हो जाता है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी आप फाइंड आउट करोगे, वो हमेशा 45 डिग्री से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये वहाँ पर सेवन्थ क्वेश्चन हुआ, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, इन द एडजॉइनिंग फिगर, सबको एक फिगर दी हुई है, उसमें आपके पास फर्स्ट पार्ट है, इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल टू। तो अगर आप फिगर में देखोगे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 आपको एंगल बने हुए हैं, आपके पास बोला गया है क्या एंगल वन एंगल टू के एडजेसेंट है कि नहीं। सो एडजेसेंट एंगल्स हमने क्या पढ़े थे, वो एंगल्स जो साथ साथ में बनते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो अगर आप देखोगे, ये दोनों एंगल्स में एक आपके पास, और साथ में हमने क्या पढ़ा था कि उनकी कॉमन आपके पास क्या होनी चाहिए, एक कॉमन साइड होनी चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे, एक कॉमन साइड आपके पास है जिसमें 1 और 2 साथ साथ में बन रहे हैं, तो ये कैसे एंगल हुए, एडजेसेंट एंगल हुए, 1 और 2 साथ साथ में बन रहे हैं। तो फर्स्ट आंसर का क्या लिखेंगे हम, यस। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। तो यहाँ पर आपको ए ओ सी एंगल है, ए ओ ई, एक ये पूरा एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो दोनों एंगल्स में आपके पास क्या होने चाहिए, एक कॉमन साइड होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये ए ओ सी है और ए ओ ई है, तो दोनों में आपके पास कोई कॉमन आपके पास साइड बीच में नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास एडजेसेंट एंगल्स नहीं है और ये साथ साथ में नहीं बन रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा नो। थर्ड पार्ट में पूछा है, डू एंगल सी ओ ई एंगल ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर हमने क्या बोला था, कोई भी लाइन होती है उसके ऊपर कभी भी जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो सबसे पहले आपको बोला गया सी ओ ई, तो यहाँ पे सी ओ ई है, नेक्स्ट है ई ओ डी, तो आपके पास ये वाला एंगल बोला गया आपको, ये वाला सी ओ ई यहाँ पर हो गया, सी ओ ई ये वाला एंगल, ई ओ डी देखो ई ओ डी बन गया ये वाला एंगल। तो पूरा मिला के अगर आप देखोगे, इस तरह से डी बन रहा है, और मैंने क्या बोला, कभी भी आपके पास इस तरह से सिंगल लाइन बनती है उसके ऊपर डी बन जाता है, तो वो लीनियर पेयर बना रहा है मतलब। तो इसका आंसर भी यस होगा, ये लीनियर पेयर बना रहा है। फोर्थ पार्ट में, एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, मतलब अगर वो लीनियर पेयर बनाएंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हो गए, क्योंकि लीनियर पेयर में भी एंगल 180 डिग्री बनता है और सप्लीमेंट्री में भी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो बी ओ डी एंगल आपके पास है, बी ओ डी ये वाला एंगल, छोटा वाला फोर्थ एंगल, फोर वाला एंगल, नेक्स्ट है डी ओ ए, तो यहाँ पर डी ओ ए ये वाला एंगल, तो ये प्लस ये 4 + 5 अगर आप देखोगे, यहाँ पर इस तरह से एक लाइन बन रही है, उसके ऊपर इस तरह से डी बन रहा है, मतलब ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, और सारे सारे सप्लीमेंट्री भी हो गए। तो इसका आंसर बी क्या होगा, यस। नेक्स्ट पार्ट है, इज एंगल वन वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल फोर। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते थे, वो एंगल जो दो, जब कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है और सेम वर्टेक्स पे बनते हैं आमने सामने, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो 1 और 4 बोला आपको, तो 1 और 4 अगर आप देखोगे, दो लाइंस हैं काट रही है आपस में, और इसके
सेम वर्टेक्स में ऑपोजिट में बन रहे हैं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस। लास्ट पार्ट है, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल फाइव। सो जो एंगल फाइव है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा। तो इस तरह से आपके पास दो लाइंस हैं, तो एक एंगल तो ये बन रहा है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला है ना, क्योंकि ये दो लाइंस आपस में काट रही है, तो ये एंगल किसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, इसके मतलब टू और थ्री को प्लस करके। तो सिक्स पार्ट का आंसर क्या आएगा, कौन सा एंगल बना, ये सी ओ बी, इस एंगल, ये वाला एंगल जो होगा सी ओ बी के क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी ओ बी। ठीक है, तुम्हारे पास नाइन्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।